मेरा नाम चंपा है, चंपा देवी। मेरा गांव आसपुर। मैं 30 साल होगी गलीचा बनाता कि मैं चाहे तब 5 गलीचा बना दी। 6 साल हो गई। 6ठा गलीचा का मैंने कि सोची भाई अब क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या लगाऊँ। फिर मेरी सरोज जी, सरोज बेटी वह बताई कि माँ यह बना ले कि यह बना ले। मैंने वह बनाई खी जो जो मैं बनाई इनकी। फिर मैं कोई झोपड़ी बना दी, कोई बाबा बादलों बरसात, कोई शक्कर पारा, खेती खेती का मैंने थोड़ा थोड़ा जुआरा सा बा दी नहीं, जो गेहूँ बाजरो भाई बेजड़ी कर दी नहीं कि भाई अच्छो लागे। मैंने घर की जाली देख के बनाया। फिर जंगला में मन रहा था साफ छबीला जो मैं देखे बना दिया। कोई मैं गई तो भाई बना दी नहीं, कोई कपर गिलास और चाय बनीर ए बना दी नहीं। इस पानी की थोड़ी कमी रहे थे जिसके कारण भाई आप बरसात बना दी नहीं इस गलीचा के मायने। कोई पाछा गई जना पेड़ पौधा दिखा बड़ पीपला रहे थे जना एक बड़ भी बनाई थी इसके मायने। मैं घर में 5 आदमी, एक मेरे पति है एक मैं हूँ, 2 लड़की 1 लड़का। इसको लड़की को भी पढ़ा रही हूँ और मेरे लड़का को भी एम ए कर रहे थे। एम ए करते करते मैं उनको काम भी सिखाई, थोड़ा थोड़ा काम सिखाती तो वह फटरी भी थे और मुझे गलीचा का भी काम करा रही। काम कराते बाबा फटती फटती कोई कॉपी किताबा में कोई भी हुए ना जो मैंने दिखा दिखा मैंने कि आ बना ले मम्मी, यह बना ले माँ, यह बना ले पत्तियाँ बता दे, कोई डिजाइन बता दे छे उनकी आ बताओ छे। मैंने थोड़ी पहले तो मैं सिखाई, अब मैंने यह बताओ छे। मन चाय से मैंने कह ले रही हूँ बनाई अच्छो लागे हो ले रही हो। सावण उवण में बरसात हो छे जिस हरिया भरिया हो छे जना कि भाई ले रही बना दिया अच्छो लागे छे ले रही। कोई खरीदे कि बहुत सार निका बरते अच्छो बनाई छू, कोई कमी नहीं भी इस गलीचा के मायने। कोई खरीदे ला जो निका बना बहुत सार बिछाओला कि अच्छो लागे, बहुत मेहनत करके बनाई छू, कोई कमी नहीं भी इसके मायने।